दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर डीआरडीओ के द्वारा जारी किए गए नोटाम को लेकर है, जिसके तहत डीआरडीओ फिर से एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। डीआरडीओ के एरिया वार्निंग से सबसे ज्यादा हमारे दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परेशान होते हैं, जिनकी परेशानी में डीआरडीओ फिर से इजाफा करने वाला है। तो वहीं दूसरी खबर ब्रह्मोस के आधुनिक वर्जन के टेस्ट को लेकर है, जिसका कल ही परीक्षण किया गया था। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही खबर को। सबसे पहले डीआरडीओ के द्वारा जारी किए गए नोटाम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों बे ऑफ बंगाल में 19 से 21 जनवरी के बीच डीआरडीओ की ओर से एक नोटाम जारी किया गया है। यह नोटाम 780 किलोमीटर के एरिया में जारी किया गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर किसी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट होने वाला है। डीआरडीओ हर बार की तरह किस मिसाइल का टेस्ट करेगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। बस अपने नोटाम के जरिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से 19 से 21 जनवरी के बीच किसी भी फ्लाइट अथवा ड्रोन को ना गुजरने की हिदायत दी है। लेकिन अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत को चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए किसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण की आवश्यकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीआरडीओ जो अगला परीक्षण करने वाला है वो किसी हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से संबंधित होने वाला है। इसके अलावा डीआरडीओ एक हीट सेंसिंग मिसाइल के निर्माण पर काम कर रहा है, जो किसी भी इंजन से निकलने वाली ऊर्जा का पीछा करते हुए उस पर अटैक करेगी, जिसका जल्दी परीक्षण होने वाला है। फिलहाल इस मिसाइल का नाम अभी गुप्त रखा गया है। उधर डीआरडीओ हर महीने किसी न किसी मिसाइल अथवा ड्रोन का परीक्षण करके दुनिया के तमाम सैन्य हथियारों के मामले में शक्तिशाली देशों को अपनी काबिलियत से चौंका रहा है। अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 100 शक्तिशाली हथियार निर्माता कंपनी ने एक सूची जारी की थी, जिसमें भारत की डीआरडीओ को भी शामिल किया गया था। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि डीआरडीओ मिसाइलों के निर्माण में महारत हासिल कर चुका है। जिस तरीके से डीआरडीओ अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करके भारत की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, इसी के चलते आज ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान भारतीय सेना के ऊपर आंख उठाकर देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में ये जानकारी आई थी कि चीन भारत में साइबर अटैक के जरिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या को जानने की कोशिश कर रहा था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस कदर ब्रह्मोस मिसाइल से खौफ खाता है। एक और जहां डीआरडीओ खतरनाक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब ड्रोन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। दरअसल भारत का डीआरडीओ एक ताकतवर ड्रोन का निर्माण करना चाहता है और इस क्षेत्र में डीआरडीओ अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहता था, जिसके लिए भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी को साझा करने की बात कही थी। लेकिन अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी साझा करने से इनकार कर दिया था। तो आपको बता दें कि अब डीआरडीओ तुर्की के TB2 ड्रोन की टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन के निर्माण की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। यह खबर ब्रह्मोस मिसाइल के आधुनिक वर्जन के किए गए टेस्ट को लेकर है। चीन की समुद्र में बढ़ती घुसपैठ को देखकर डीआरडीओ काफी लंबे समय से ब्रह्मोस मिसाइल के नेवी वर्जन पर काम कर रहा था, जिसका गुप्त तरीके से कल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने इस खबर की जानकारी दी है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक वर्जन का INS विशाखापट्टनम से परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक तरीके से निशाना साधा है, जिसके बाद डीआरडीओ ने अपने ट्वीट के जरिए ये जानकारी देश के साथ साझा की है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें, तो इस मिसाइल से हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह पर वार किया जा सकता है। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, जो इस मिसाइल के लिए बिल्कुल फिट भी बैठती है, क्योंकि जब इस मिसाइल को किसी टारगेट पर सेट करके छोड़ा जाता है तो यह मिसाइल किसी भी हाल में टारगेट को संभलने का मौका नहीं देती, क्योंकि जैसे जैसे टारगेट अपने रास्ते में परिवर्तन करता है उसके हिसाब से यह भी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।